हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन से कोई वीडियो नहीं बनाई थी तो मैंने सोचा चलो अभी एक वीडियो बना लेता हूँ। सो अभी हम लोग निकले हैं ट्रिप पे और आज है ट्रिप का डे वन। निकलना था 7:30 बजे, अभी 7:30 बजे सो के उठ रहे हैं और दो लोग तो अभी सो ही रहे हैं। वीरू हेलो करो, हाय हाय करो। 7:30 बजे निकलना था, 7:30 बजे सो के उठ रहे हैं। कोई नहीं, अभी रेडी वगैरह होके फिर आगे का दिखाते हैं कि आज डे वन में कहाँ जा रहे हैं हम। यही सर्दी बहुत लग रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो -5 -10 पे चल रहा है टेम्परेचर। तो रेडी हो चुके हैं, कैब वाले भैया का भी फोन आ गया, बोला कि मैं पहुँच गया, अभी ब्रेकफास्ट आना बाकी है। बस ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर सामान वगैरह भी सब रेडी हो चुका है। घर से लेके निकले थे 2 ट्रॉली, अब कल आके इतनी शॉपिंग कर ली कि एक ट्रॉली और ख़रीदनी पड़ गई है और अभी 3 ट्रॉली हो गई है। 3 ट्रॉली को लेकर ट्रैवल करना पड़ेगा। सारा सामान पैक हो चुका है, बस इसकी एक कार है जो ये दे नहीं रहा, इसको ये खुद ही कैरी करेगा। फैमिली के साथ ट्रैवल करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको सामान वगैरह कुछ पैक करने की ज़रूरत नहीं है, वाइफ सारा सामान पैक कर देगी। बोल ले कुछ। हाय कर दे। इधर ही रख दीजिए, थैंक यू। ठीक है, सो ब्रेकफास्ट आ गया है भाई। ये निकले इसके अंदर से गर्मा गर्म पराठे। निकल गए हैं गैंगटॉक के लिए। ओ मुझे बताना नहीं था, पर चलो कोई बात नहीं, गैंगटॉक के लिए निकल गए हैं और अभी रास्ते में बढ़िया बढ़िया व्यू दिखाते हैं। जंगल तो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, पहाड़ थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहाड़ी इलाका स्टार्ट हो गया है और मज़ा आने लग गया है। ब्रिज है कोरोनेशन ब्रिज, इसको सेवक पुल भी बोलते हैं। ये रोड जो जा रहा है ये सेवक जाता है, तो सेवक से सिलीगुड़ी को कनेक्ट करता है, इसलिए इसको सेवक पुल भी बोलते हैं। बहुत ही मस्त लगता है और ये मस्त व्यू पॉइंट है। ये ट्रक ख़राब हो गया है रोड के बीच में, इसीलिए जाम लगा हुआ है इतना लंबा, स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे भी पूरा 1 किलोमीटर तक और इधर भी पूरा। कम से कम 2 किलोमीटर का जाम लग गया होगा। ये थोड़ा देर भी जाम होगा तो बस लंबा जाम होगा, वैसे भी आज मंडे है, सब गाड़ी यहाँ आवाजाही कर रहा है। दस मिनट हुआ होगा, 15 मिनट हुआ होगा मेरे ख्याल से, 2 किलोमीटर से लंबा जाम लग गया है। ये है तिस्ता का डैम और इसका पानी भरा हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है। ये एक्चुअल में पेड़ ही पेड़ है ना, इसलिए नज़र नहीं आ रहा और बाकी जगह से कहीं से व्यू नहीं है। शायद आगे से बढ़िया भी मिलेगा। और ये है मैडम हमारी। तो
यहाँ से मस्त व्यू आ रहा है, वहाँ से पेड़ों के कारण नज़र नहीं आ रहा था। और अब ये तिस्ता रिवर पूरे रास्ते रास्ते हमारे साथ साथ चलेंगे बगल में। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं तिस्ता ब्रिज के ऊपर। ये तिस्ता रिवर है, इसी के सहारे सहारे से हम लोग किनारे किनारे से आ रहे हैं। और ये तिस्ता ब्रिज है जिससे होके अभी हम लोग जाएंगे गैंगटोक। एक रोड नीचे से भी जा रहा है, पता नहीं किधर जाएगा। व्यू तो वाकई में मतलब क्या बोलें क्या नहीं बोलें, देख के पता ही चल रहा है। हवा भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, कैसे लहरा रहे हैं। हाय वीरू, ये ऊपर पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से, पूरा पता चल रहा है कि हाँ भाई मतलब ट्रिप बहुत मस्त होने वाला है, शायद उस तरफ जाना है हमें। पेड़ों के बीच से जो जा रहे हैं ना, ये भी बड़ा सुंदर लग रहा है देख के। ऐसा एक जगह का और वीडियो शूट किया हुआ है, वो भी अभी तक मैंने डाला नहीं है, कभी टाइम मिलेगा तो ज़रूर डालूँगा। सिक्किम में एंटर कर चुके हैं और यहाँ से मास्क लगाना कंपलसरी है। अगर आपने मास्क नहीं लगा रखा है तो आपको उसके लिए फाइन पे करना पड़ेगा, इसलिए इसलिए फायदा है कि आप मास्क लगा के रखें। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम और ये है हमारा रूम। और रूम अच्छा लग रहा है देख के, और वैसे बुक किया था मैंने रूम। विंडो से व्यू दिखाता हूं आपको कि विंडो से कैसा व्यू है। ओ माय गॉड, बस मस्त व्यू यार, ऑसम, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है देख के। मेरा दोस्त मिल गया तुझे तेरा।
ये तेरा दोस्त है वीरू। ये नीचे एमजी रोड दिख रहा है, जो रिलायंस ट्रेंड जो है इसके सामने एमजी रोड है। जाते हैं एमजी रोड, देखते हैं क्या नज़ारा है वहाँ का। अच्छा लग रहा है यहाँ घूम के, लेकिन रात को ज़्यादा सुंदर लगेगा, तो रात को इसका व्यू और दिखाते हैं। अभी तो बस इसी को देख लो आप, एक शैतान बच्चा घूम रहा है गंदी पलटा हुआ। तो डिनर करने के लिए आ गए हैं मॉल रोड पे, एक रेस्टोरेंट है ये, नाम पता नहीं क्या नाम है इसका। चॉप स्टिक, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे देखने में। यहीं पे बस अभी डिनर वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर रूम चले जाएंगे। डिनर आ गया है, देखने में तो अच्छा लग रहा है, बाकी खाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसा है। मतलब देख कर टेस्टी ही रहा है, तो डिनर खाते हैं और उसके बाद फिर मिलते हैं। खाना एक नंबर है, बिल्कुल मस्त है, बहुत टेस्टी है। डिनर हो गया है और डिनर काफ़ी टेस्टी था। चलिए अब आपको एमजी मार्ग का नाइट व्यू दिखाते हैं। तो ये गैंगटॉक के एमजी रोड का नाइट व्यू है, मस्त सा व्यू है। एक अलग ही फील है यहाँ पे घूमने का। गैंगटॉक का नाइट व्यू है मेरे रूम से। ये जो नीचे जो बहुत ज़्यादा लाइट्स दिख रही हैं, ये एमजी मार्ग है और बाकी लाइट्स ही लाइट्स नज़र आ रही हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। शायद कैमरे में जो व्यू आए उसमें इतना प्यारा ना लगे, बट आँखों से देखने में ऐसा लग रहा है कि मतलब बहुत ही सुंदर लग रहा है। और शायद मैं लेट हो गया और थोड़ा जल्दी वीडियो बनाता तो शायद और ज़्यादा अच्छा लगता देखने में। सो डे वन कंप्लीट हो गया है, घूम लिया है, थक गए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किया आज तो। बस सिलीगुड़ी से गैंगटॉक पहुँचे, एमजी मार्ग पे घूमे, रोपवे गए थे, बट रोपवे अंडर मेंटेनेंस था इसलिए उसमें हम जा नहीं पाए। तो अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशंस जो है उनमें से किसी में रोप वे ट्राई करेंगे। और आज का इतना ही हो गया, थक गए, अभी सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, बाय।